नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वंदरो एग्जाम सीरीज का आज हम यहां पे एक और पार्ट लेकर आ चुके हैं और हमारा टॉपिक है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसका ये तीसरा पार्ट है दोस्तों आज, जिसमें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड वंदरो एग्जाम के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पे MCQ लेकर आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बता दें, यदि आपको उत्तराखंड वंदरो एग्जाम के लिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 में एग्जाम होता है वंदरो का, उसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपके लिए 14 मॉडल पेपर है प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर, यानी टोटल 17 पेपर है। ये 100-100 क्वेश्चन है प्रत्येक पेपर में, यानी टोटल 1700 क्वेश्चनों का ये संग्रह है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में वो फायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कुछ अन्य ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन 14। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार लिखा रहता है। तो कार्बन 14 का जो प्रयोग होता है वो होता है जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने में प्रयोग होता है कार्बन 14 का। और जो यूरेनियम 235 इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार हेतु। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। ये कोई सॉलिड है और ये डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। और ये किन किन में देखने को मिलता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था NH4Cl, कपूर और आयोडीन, इनमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपतित होने वाले एलिमेंट है कपूर, आयोडीन, NH4Cl। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 3, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान कितना होगा? अब देखो 273 केल्विन इस गलत होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का निकालना है केल्विन में, तो 0 से हमने 100 जोड़ा तो इसको भी आपको सीधे 100 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। अब यहाँ पे हाँ, मतलब एक्चुअली जो मान होता है वो होता है 273.15 केल्विन, तो यहाँ पे आ जाएगा 373.15 केल्विन, बी ऑप्शन। ठीक है, हम मानक रूप से सीधे 373 केल्विन लिखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, लेकिन एक्चुअली कितना होता है 373.15 केल्विन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दूध से हमें क्रीम को पृथक करना है तो इसमें प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है अगर हमें दूध से क्रीम को पृथक करना होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ अन्य ऑप्शन है, जैसे प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन में हम क्या करते हैं, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें दो ऐसे कोई सोल्यूबल अगर क्या है, मतलब जो आपस में क्या हो सकते हैं, जो सॉल्यूशन बना सकते हैं, आपस में घुल सकते हैं, तो दो घुले हुए पदार्थों को हम अगर क्या करेंगे, पृथक करना है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 25 केल्विन का अंतर है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में। अगर किसी दो घुले हुए पदार्थों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का अंतर है तो उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे। और जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसके द्वारा हम जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं क्रिस्टलीकरण प्रोसेस के माध्यम से। और अपकेंद्रीकरण ये हो गया दूध से क्रीम को पृथक करना। क्वेश्चन नंबर 5, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? तो 5 का हो जाएगा सही आंसर। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो इसलिए जो बर्फ का टुकड़ा है वो जल पर तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो सबसे कम संपीड्यता होती है ठोस की। संपीड्यता के मामले में ये आ गया सॉलिड, फिर है कम की बात करना, हाँ सॉलिड में सबसे कम, फिर आता है लिक्विड में और फिर गैस में।
सबसे ज्यादा संपीड़ता होती है गैस की, ठीक है। जैसे गुब्बारा आप लोगे तो गुब्बारा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है, गैस में होती है। लेकिन वहीं आप अगर कोई सॉलिड लेते हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेते हो, कोई लोहे का टुकड़ा लेते हो, तो उसमें वो कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो सॉलिड में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब देखो पहले कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोश में है 6, 2, 8 और फिर यहां पे एक ही है, तो 2, 8, 1, 2, 8, 1, 7 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में अधातु कौन है। तो अधातु आपको नॉन मेटल आपको यहां पे बताना है। सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, इसमें अधातु है। बाकी जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम क्या है, तो जर्मेनियम है उपधातु। निकल क्या है, निकल है धातु। टाइटेनियम भी क्या है, धातु है। तो अधातु कौन सी है, केवल आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडलीय दाब पर एक केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। हमने क्या करना है, ठोस को द्रव में बदलना है उसके गलनांक पर, तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीप ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्योंकि अगर कोई भी जो एलिमेंट्स हैं या जो पदार्थ है, ठीक है, अगर वो ठोस से बदल रहा है द्रव में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं संगलन, ठीक है। तो अगर हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठोस से द्रव में बदलने के लिए, तो उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी, जो आपका 9th-10th का सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है वंदरों का, उसी पर ये बेस्ड है, और आपके लिए मॉडल पेपर भी इसी पर बेस्ड बनाए गए हैं एनसीईआरटी सिलेबस पर। तो अगर आपको मॉडल पेपर और उसमें आपके लिए 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें रखे गए हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि पिछले बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार के आए थे, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो देखो नमक तथा अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण है, तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या है, ऊर्ध्वपतित हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, यानी डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से गैस में। तो अगर हमें नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना है, तो हम करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग। हमें नमक अलग मिल जाएगा और अमोनियम क्लोराइड वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो शुद्ध नमक हमें प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक यानी जो एक ही स्थान पर होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं वो उनके रासायनिक गुणों के आधार पर रखे गए हैं, उनको स्थान दिया गया है। तो एक तत्व के समस्थानिक यानी वो एक ही स्थान पर होते हैं, तो उनके सबसे पहले तो रासायनिक गुण उनके समान होंगे, तो आपको ये बताना कि समस्थानिक में होते हैं तो भौतिक गुण समान नहीं होते बल्कि रासायनिक गुण समान होते हैं, ये गलत हो जाएगा। भिन्न रासायनिक गुण नहीं होते हैं, रासायनिक गुण उनके समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, सही। और भिन्न परमाणु संख्या सम स्थान यानी एक ही स्थान पर है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है इनका, तो उनका एटॉमिक नंबर भी समान होता है, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर उनको दिया गया है प्रत्येक एटम को, तो जो एक ही स्थान पर होंगे उनके एटॉमिक नंबर भी समान होंगे। तो यहाँ पे केवल सी ऑप्शन हो जाएगा समस्थानिक के लिए सही आंसर। और समस्थानिक के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं, 1s1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटेरियम और 1s3 ट्राइटियम। ये एक ही स्थान, इनका एटॉमिक नंबर देखो, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 111, तो एटॉमिक नंबर इनका सेम है। लेकिन न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या कैसे है, क्योंकि देखो इसमें तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तब जाके इसका एटॉमिक जो भार है वो 3 हो रहा है, इसका 2 हो रहा है और इसका 1 हो रहा है, तो 0, 1, 2, ये इस प्रकार से इनमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, गर्मपन करने पर गैस का आयतन। अब देखो ये इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये गैस है, अगर हम इसको हीट देंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, यानी गर्म करने पर गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो बढ़ जाता है। 12 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु संख्या निम्न में किसके बराबर होती है? तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटोनों की संख्या और परमाणु संख्या यहाँ पे पूछी गई ना, तो हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, तो ए और बी हो जाएगा सही आंसर, यानी एटॉमिक नंबर इजगल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इजगल टू प्रोटोनों की संख्या, और प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इजगल टू क्या होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एम। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के हैं 3 समस्थानिक, कौन कौन से हैं, प्रोटियम, फिर इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसको कहा जाता है ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन के हैं 3 समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पदार्थ का केल्विन ताप 673.15 है, ठीक है 673.15 केल्विन है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान कितना होगा? तो देखो 273.15 केल्विन इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे ये 673 की बात करें तो प्लस 400 दशमलव पंद्रह केल्विन इक्वल टू आ रहा है 673, ये हम कुल मिला के 673 में से इसको घटाएंगे, 673.15 केल्विन में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 400.15 केल्विन, यानी 673.15 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें और 273 में कितना का अंतर है, 400.15 केल्विन, तो हम सीधे 0 डिग्री में 400.15 केल्विन जोड़ेंगे जो कि इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 473.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये थे मिलिकॉन, मिलिकॉन का तेल बिंदु प्रयोग जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था, तो ये मिलिकॉन प्रयोग है, ठीक है इसको मिलिकॉन का तेल बिंदु प्रयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कमरे के ताप पर ठोस कौन सा नहीं है, मोम है, गंधक भी है, मैग्नीशियम भी है, पारा। अब देखो पारा एक धातु है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर सॉलिड स्टेज में पाई जाती है, तो वो है पारा, और ऐसी कौन सी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर ठोस नहीं है बल्कि लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और पारा आपको दोनों नोट करने हैं, पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है, और दोनों क्या है, कमरे के ताप पर ठोस नहीं है बल्कि द्रव है। क्वेश्चन नंबर 18, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, तो हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सर्दियों में आपने देखा, सर्दियों में नहीं हवाओं में, ठीक है जब हवा चलती है तो हवा में क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी हवादार जो जगह होती है, हवा बढ़ने पर, वायु बढ़ने पर द्रव का वाष्पन भी बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किसका ऊर्ध्वपतन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबलिमेटेड, तो यहाँ पे जो आयोडीन होता है वो डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो घुलनशील ध्रुवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अब देखो दो मिस्क्युअल लिक्विड घुलनशील द्रव है, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम प्रयोग करेंगे सरल आसवन विधि का, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लेकिन अगर इन्हीं दो घुलनशील द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का अंतर है, यानी दोनों जो ये घुलनशील लिक्विड हैं, ए लिक्विड और बी लिक्विड, इनका बॉइलिंग पॉइंट में कितने का अंतर है, 25 केल्विन या उससे कम का अंतर है, तब हम सरल आसवन विधि नहीं बल्कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा कण है, तो अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है और ये द्विआवेशित कण होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये कोई पदार्थ है, अब हमने इस पे एक दाब लगाया और इसका क्या हो गया, ये इसका आयतन कम हो गया, तो ये हो गई इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीडता, जो कि सर्वाधिक गैसों में पाई जाती है, फिर द्रव में पाई जाती है, फिर ठोस में पाई जाती है, तो 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, किसी तत्व की संयोजकता,
उसकी संयोग करने की क्षमता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है, बिल्कुल सही। और तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, संयोजकता के बारे में तीनों कथन सही है, वैलेंसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस इसमें जेनॉन, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये इनर्ट गैस है या अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस के जो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करो, आवर्त सारणी की बात की जाए, तो जो 18वां ग्रुप होता है ये सबसे लास्ट वाला ग्रुप, ये यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार ये पीरियोडिक टेबल होती है। तो जो 18वां ग्रुप होता है इसमें हीलियम से लेकर और यहाँ पे इस प्रकार ये होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हीलियम, उसके बाद होता है न्यून, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गन गैरोडियन और ओजी। ये सारे के सारे क्या हैं, अक्रिय गैस के एग्जाम्पल हैं और इनको नोबेल गैस भी कहा जाता है। अब ये अक्रिय क्यों है, इनर्ट गैस इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते, ये क्रिया नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। और अगर कोई जो एटम है उसके सभी कक्ष, उसका जो अष्टक अगर वो पूर्ण है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं बचेगी, इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, तो इसलिए क्या होते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं, जिनको 18वें ग्रुप में रखा गया है, 18वें वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या। तो सामान्य तापक्रम पर 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसीय अवस्था में हैं, 11 एलिमेंट हैं ऐसे, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में मिश्रण कौन है, कॉपर, लोहा, पीतल या तांबा? तो पीतल है इसमें मिश्र धातु, सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सही आंसर। अब देखो, जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है और ये किस किस के मिश्रण से बनी है? तो कॉपर का 70% होता है इसमें, प्लस जिंक का 30%। तो कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। उसके बाद देखो, कांसा भी एक मिश्रण है और कांसा बनता है कॉपर और टिन के मिश्रण से। और एक होता है कृत्रिम सोना। यहाँ पे दोस्तों मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको बताता हूँ, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके काम आ सकता है, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कृत्रिम सोना, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सर, कॉपर प्लस टिन तो कांसा और कॉपर प्लस जिंक तो पीतल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? तो द्वि मतलब जिनकी संयोजक, जिसकी वैलेंसी है दो, डायवेलेंट। तो यहाँ पे देखो 27 का सही आंसर हो जाएगा, पहले सबसे पहले सोडियम। तो सोडियम की एक वैलेंसी होती है Na प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है बड़ी आसानी से, तो इसकी वैलेंसी एक होती है। मैग्नीशियम की होती है Mg2+, ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बोरोन की होती है 3 और कार्बन की होती है 4, 1, 2, 3, 4, दो द्विसंयोजी तत्व, यानी दो वैलेंसी किसकी है, डायवेलेंट कौन है, वो है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है? तो पहले इसका एटॉमिक नंबर देख लो, 2, 8, 4 यानी 8, 2, 10, 4, 14 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है इसका, 14 आ रहा है, और 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, सिलिकॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो देखो, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें द्रव्यमान नहीं तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, और इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार के सूत्र आपको कैसे ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे लिखा है सोडियम, तो आपको सिर्फ सोडियम लिखना है, और ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है तो आपको लिखना है ऑक्साइड यहाँ पे। अब सोडियम की जो वैलेंसी होती है, जो उसमें आवेश होता है, वो +1 का आवेश होता है, और ऑक्सीजन में 2- का आवेश होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, वो उसकी वैलेंसी पर निर्भर करता है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। तो Na2 और O1 को तो कोई नहीं लिखता, O1 है यहाँ पे, O1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। तो 30 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन
सही आंसर। तो इस प्रकार से आपको किसी भी जो भी दिया रहेगा उसका आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। अब देखो एक और आ गया एल्युमिनियम सल्फेट, ये थोड़ा और बड़ा है। तो एल्युमिनियम Al, और एल्युमिनियम की वैलेंसी है, एल्युमिनियम जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। SO4, SO4 पे चार्ज होता है 2- होता है, तो यहाँ पे वही करना है, यहाँ कर देना है और यहाँ इसको डाल देना है। तो Al2SO4, Al2SO4, AlO4, यहाँ पे एल्युमिनियम की जो वो होती है वो 3+ होती है, ठीक है। तो Al2SO4 का होल थ्राइज Al3+ एल्युमिनियम, इसकी तो वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। तीन इसमें चार, तीन प्लस में चार होता है। तो अब देखो यहाँ पे SO4 अब होल करना है, ठीक है। अब इसमें ये अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो चार के नीचे तीन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अकेला ऑक्सीजन का नहीं है, ऑक्सीजन में नहीं हो पा रहा है वो। कुल मिला के कम्प्लीट आपको क्या करना है, उसको SO4 का होल कर देना है 3। तो Al2SO4 का होल 3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 31 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, K-1 ये इस प्रकार से है, में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो ये पोटेशियम -1 है। अब देखो पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, 19 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, 19 पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है 19 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 19 है, प्रोटोनों की संख्या कितनी है 19 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 19 है इसमें सभी संख्याएं। लेकिन यहाँ पे इसमें चार्ज है -1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो पहले इसमें 19 थे इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो K-1, पोटेशियम में -1 चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 20। क्वेश्चन नंबर 33, चोक को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है। तो चोक को पीसकर जल में घोलने पर यह बनता है आपका निलंबन, सस्पेंशन बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न तत्वों में कौन, यहां पे द्विपरमाणुक है ये, ठीक है, द्विपरमाणुक नहीं है, निम्न तत्वों में कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है। क्लोरीन, क्लोरीन द्विपरमाणुक होता है Cl2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो इस प्रकार से होता है, और ये क्या है P4, यानी ये है टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक होता है फास्फोरस, चतुष परमाणु हिंदी में इसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है, या किस नियम के अनुकूल है। तो हर स्थिति में, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करो, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रहेगा अनुपात रहेगा, वो हमेशा 3:8 रहेगा। तो ये किस नियम के अनुकूल है, ये स्थिर अनुपात का नियम, यानी किसी भी स्रोत से अगर कोई भी कंपाउंड आता है तो उसका उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका सदैव जो अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा, स्थिर अनुपात का नियम इसे कहते हैं। अब CO2 में देखो किस प्रकार से 3:8 आ रहा है, तो कार्बन का जो मोलिकुलर वेट रहता है वो 12 रहता है, और ऑक्सीजन का रहता है यहाँ पे कितना रहता है, ऑक्सीजन का रहता है 16। अब यहाँ पे CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 में 12 और 16 रहता है ना ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम यानी 32। अब इसको आप छोटा करोगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32, 3:8 आ जाएगा, 12:32 यानी 3:8, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा युग्म समभारिक नहीं है, आइसोबार नहीं है। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर पोटेशियम और कैल्शियम, ये समभारिक नहीं है, बाकी यहाँ पे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ये समभारिक होते हैं, आर्गन पोटेशियम और साथ साथ इसमें कैल्शियम भी, आर्गन 40 हो गया, उसके बाद पोटेशियम 40 और इसमें कैल्शियम 40। तो आर्गन के साथ आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों क्या होते हैं, समभारिक होते हैं, तो तीनों आपको यहाँ पे नोट करने हैं, और कार्बन 12 और कार्बन 14 ये भी क्या है समभारिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर,
विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं और यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू करना है 100। अब यहां पे देखो विलयन के 320 ग्राम विलायक है, ठीक है, तो जो पहले देखो 40 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, नमक विलय है ना, यानी सोल्यूट है, तो सोल्यूट का जो मास है वो कितना है 40 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो है वो है आपका 320 ग्राम। लेकिन हमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए जो हमारे पास है, और मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास कितना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है, उसका मास कितना है 320 प्लस 40 ग्राम, कितना हो जाएगा 360 ग्राम। तो अब ये निकल जाएगा, हमें पुट वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है, 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम है, और गुणा 100 करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक ही कट जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से ये बच जाएगा 400 अपॉन 36, और ये कितना आ रहा है, टोटल ये आ रहा है 11.1%, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने, सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 38, विलयन है तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन कौन से होते हैं, जैसे कोलाइड हो गया, निलंबन हो गया, ये सभी जो मिश्रण होते हैं वो विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, अवोगैड्रो संख्या का मान, तो अवोगैड्रो संख्या का मान है 6.022 × 10³, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10³ एटम, ठीक है, तब चाहे वो हाइड्रोजन का 1 मोल लो, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में 6.022 × 10³ हाइड्रोजन एटम होंगे, या आप ऑक्सीजन का मोल लो या किसी का भी मोल लो, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10³ जितनी अवोगैड्रो संख्या होती है। तो अवोगैड्रो संख्या आपको ध्यान रखने केमिस्ट्री के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में किस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 है, अब देखो ये है के एल एम एन, ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो के में होते हैं जो के कोश है, जो कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, उसमें होते हैं 32, तो एम हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, फुलेरिन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो फुलेरिन कार्बन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है यहाँ पे कार्बन 60, इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला होता है अणुसूत्र। क्वेश्चन नंबर 42, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का, तो उसे उस द्रव का कहते हैं हिमांक, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब द्रव से गैस में बदल रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे द्रव क्या किसमें बदलती है, गैस में बदलती है, उसका जो क्या हो जाता है दाब हो जाता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक जमना हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो प्लम पुडिंग मॉडल ये क्या था, टॉमसन यानी थॉमसन ने प्रस्तावित किया था, और ये मॉडल किस प्रकार का था, तो इसमें ये इस प्रकार है, ये थॉमसन ने कहा था कि इस प्रकार एटम रहता है जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, इस प्रकार ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के चार्ज क्या चार्ज होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो ये थॉमसन ने प्रस्तावित किया था एटम का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल, तो ये किसने प्रस्तावित किया, थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 44, तूतिया का रासायनिक सूत्र,
त्वचा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कॉपर सल्फेट 5H2O, इंपॉर्टेंट है ठीक है, त्वचा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 45, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है, तो हीलियम, क्योंकि हीलियम में तो क्या है, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम का अष्टक कैसे होगा, अष्टक यानी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के पास तो 8 एटॉमिक नंबर इसका इतना है ही नहीं, या इसके पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या इतनी है ही नहीं, तो इसलिए हीलियम, ये है ना हीलियम, ये इस प्रकार से, तो इसमें अष्टक नहीं है, बाकी जितने भी उत्कृष्ट गैस है उसमें सभी का अष्टक होता है और कंप्लीट उनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये थे आज के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब इस टॉपिक का भी एक और वीडियो आएगी और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तो आपको नेक्स्ट यूनिट अभी से पढ़ना शुरू कर देना है जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो बायोलॉजी का टॉपिक है, तो उससे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।